नेपाली सलालों के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें कैबेज, बॉइल पोटैटो, थोड़ी सी मूली, थोड़ी सी खीरा, थोड़े से प्याज हमने इसमें ऐड कर लिया है स्लिट करके। अब चाहे तो इसमें गाजर मटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ काला तिल यूज़ करेंगे जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें बॉईल काले चने को बॉईल करके मिर्ची के साथ इसे तड़का लगा लिया था, इसको ऐड कर लेंगे हम। इसमें अब एक पेस्ट ऐड करेंगे जिसमें अदरक लहसुन साबुत धनिया जीरा का पेस्ट बना लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे और ढेर सारे धनिया पत्ता इसमें हम ऐड कर लेंगे और नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। ये रेसिपी नेपाल में हर एक ओकेशन में बनाई जाती है और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस ये तैयार है ये रेसिपी। ये काफ़ी डिलीशियस और यम्मी लगती है। सो ये रेसिपी मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमारे लिए खास करके बनाया था। तो सर थैंक यू धना फॉर दिस वंडरफुल रेसिपी। थैंक यू सो मच।